हाल चाल है मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे बस्ती स्टेशन की, जो भारत देश में है और ये उत्तर प्रदेश में आता है और ये माना जाना स्टेशन है और बहुत फेमस स्टेशन है। इसकी बड़ी से बड़ी बातें और छोटी से छोटी बारीकियाँ सारी डिटेल आपको बताएंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो से बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस्ती स्टेशन पर हर एक चीज़ आपको मिलेगी, बुक की दुकान भी मिलेगी और फूड की भी दुकान मिलेगी और कार पार्किंग, बाइक पार्किंग और LED इंडिकेटर और पानी की सेवा और वेटिंग रूम भी रहेगा। AC रूम भी है और नॉर्मल वेटिंग रूम भी है, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप यूज कर सकते हैं। लखनऊ से बस्ती की दूरी 193 किलोमीटर है और इसको सफ़र ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे 3 घंटा 57 मिनट लगता है और बस्ती से गोरखपुर की दूरी है 166.4 किलोमीटर और इसको लिए 1.5 घंटा आपको सफ़र करना पड़ेगा ट्रेन से, तो आप पहुंच सकते हैं गोरखपुर बस्ती से। बस्ती का लोकेशन ये है कि बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 299 फीट टोटल स्टेशन की लंबाई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पड़ता है, प्लेटफॉर्म 4 है और 7 ट्रैक है, डबल इलेक्ट्रिक लाइन है, स्टेशन कोड है BST और 1986 में ये ओपन हुआ था और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग डेली अप डाउन करते हैं बस्ती स्टेशन पे और 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से पास होती है और बस्ती में रुक के ही जाती है। ठीक है, बस्ती से आप गोंडा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, अजमेर, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, जम्मू और हावड़ा जंक्शन जयपुर आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से जाती है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेन ज़्यादातर पास होती है, फेमस ट्रेनों का नाम मैं ज़्यादातर लूँगा, बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा। ठीक है, पहली ट्रेन है गोरख धाम एक्सप्रेस, फिर उसके बाद पड़ती है गोरखपुर लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनस हम सफ़र एक्सप्रेस। ठीक है, वैशाली एक्सप्रेस, रप्ती सागर एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस गरीब रथ, अन्योध्या एक्सप्रेस। ठीक है, अन्योध्या एक्सप्रेस, मनवर संगम एक्सप्रेस। ठीक है, और बहुत सी लोकल ट्रेन चलती है जैसे गोरखपुर से बस्ती और बस्ती से गोरखपुर, स्पेशल ट्रेन है ये, चलती है ट्रेन ये। और 6 लोकल रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, बबनान, गौर, गोविंद नगर, ओड़वा, मुंडरवा और टीचनिक। ठीक है, ये सब 6 लोकल स्टेशन पड़ते हैं बस्ती से, मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, बस्ती स्टेशन पे वाईफाई भी आपको मिल जाएगा और आसपास होटल भी मिल जाएगा, लॉज भी मिल जाएगा आपको और पास में मार्केट भी है आप, जिसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप घूमने के लिए हिसाब से आ रहे हैं तो आपको होटल भी अच्छे से अच्छे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें रहने के लिए। चलिए, जय हिंद।